हमारे मेरे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहना चाहते थे, लेकिन नागपुर से फ्लाइट न होने के कारण वो उपस्थित नहीं रह सके। वो माननीय उपराष्ट्रपति जी का नागपुर में स्वागत करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं एक उत्तल वकील के नाते संविधान के उत्तम अभ्यासक हैं और संविधान में जैसे जैसे उपक्रमों को उनका सदा प्रोत्साहन रहता है, संविधान की मूल भावना को जीने का काम वे करते हैं। यही कारण है कि सभी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय उनके मार्गदर्शन में जब 2014-19 में हमारी सरकार आई थी और आज फिर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी के सरकार में हम सब शामिल हुए हैं, तो जैसे निर्णय इस सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए हैं, प्रोत्साहन के लिए लिए हैं, ऐसे उपक्रमों के लिए हमारे सभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का सद हमेशा साथ रहता है और हमें प्रेरित करते हैं।